नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवाह में। दोस्तों मैं करुणा आज की वीडियो में लेकर के आई हूँ कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए 10वीं और 12वीं वाले बच्चों को, जिससे कि वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर के आ सकें। किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस तरह से आपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, किन क्वेश्चंस को पढ़ना है, किन को ज़्यादा पढ़ना है और किन को कम पढ़ना है, ये सारी डिटेल देंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहें शिक्षा प्रवाह के साथ। दोस्तों अगर आपने अभी तक भी शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की इंटरेस्टिंग जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहेंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। CBSE बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में कुछ दिन ही बचे हैं। छात्र अच्छे नंबर लाने के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, तनाव ले रहे हैं। वहीं पढ़ाई को लेकर छात्रों का कुछ ज़रूरी बातों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वही बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएँ हैं वो 26 अप्रैल से शुरू होने वाली हैं। काफ़ी जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, अभिभावक हैं, वो बोर्ड परीक्षा को लेकर के तनाव में आ जाते हैं। परीक्षा से पहले तैयारी कैसे करें, कैसे अपनी तैयारी को लास्ट टच दें, समय का प्रबंध कैसे करें, लिखने का अभ्यास कैसे करें, इन सवालों को लेकर के न्यू रेनबो पब्लिक स्कूल प्रताप विहार की प्रधानाचार्य डॉक्टर रुचि गुप्ता से बातचीत हुई है। तो डॉक्टर रुचि गुप्ता का क्या कहना है वो मैं आपको बताऊंगी। परीक्षा से एक सप्ताह पहले तैयारी को लास्ट टच कैसे देते हैं, इसके लिए डॉक्टर रुचि गुप्ता ने क्या कहा है। तो बच्चे पूरे साल जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आपने नोट्स बनाए हुए होते हैं, तो बेटा उन नोट्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कौन से चैप्टर से कितना वेटेज है, मतलब कौन से चैप्टर से कितने नंबर का जो प्रश्न है आपसे पूछे जाने वाले हैं, उसके हिसाब से आपको उस चैप्टर को समय देना है। अगर आप पूरा सिलेबस नहीं कर पा रहे हैं बेटा, तो जो आपने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन ज़रूरी है। तो पहले आप उसका रिवीजन करेंगे जिसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसके बाद बेटा अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचता है तो उसके अंदर आप अपना बाकी का सिलेबस पढ़ लें। सारे सिलेबस को पूरा करने के चक्कर में बिल्कुल ना रहें। अगर आपने पहले बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो पूरे सिलेबस को ना पढ़ें। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे जो आपने पहले पढ़ा है। इसके अलावा बेटा कम वेटेज के प्रश्न को कम समय देना है। मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई है कि वेटेज अगर किसी चैप्टर से कम है तो उस चैप्टर को आप कम समय देंगे। अब बेटा सेकंड है लिखने का अभ्यास कैसे किया जाए, जिससे तैयारी में भी मदद मिले और लिखने का भी अभ्यास हो जाए। तो जो भी बेटा आपने पढ़ा है उसको लिख करके देखो। आपके टीचर्स, स्कूल टीचर्स भी बार बार इसी को कहते होंगे, जो आपको आंसर देना है उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखने का अभ्यास करो। लिखकर चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहती हैं और अभ्यास भी हो जाता है। इसके अलावा लिखने के लगातार अभ्यास करने से बेटा एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्पीड भी बढ़ती है। पेपर के दौरान कई बार हाथ में थकान महसूस होने लगती है तो फिर आपको एग्ज़ाम लिखते वक्त वहाँ पर थकान महसूस नहीं होगी आपके हाथों में। इसके अलावा बेटा जब आप लिख करके देखेंगे तो आपको पॉइंट्स जो हैं उनको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। इससे क्या होता है, इस तरह की आदत अगर आपको पहले पड़ जाती है तो एग्ज़ाम में फिर इस चीज़ में ज़्यादा समय नहीं लगता। तीसरी बात क्या है बेटा, बोर्ड से ठीक पहले डेली रूटीन कैसे बनाएं और पेपर के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे बनाएं। तो न्यू रेनबो स्कूल प्रताप विहार के जो प्रिंसिपल हैं रुचि गुप्ता, जिनसे इसके बारे में बात की गई है, जो ये चीज़ कहती हैं कि सभी बच्चों का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। कोई सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद करता है तो कोई देर रात तक पढ़ना शुरू करता है। तो बेटा इसी हिसाब से आपको अपनी दिनचर्या बनानी।
इस बात का ध्यान बेटा आपको रखना है कि जितनी देर भी आपका पढ़ाई में मन लगता है उतनी देर ही पढ़ना है, ज़्यादा देर नहीं बैठना है। खाने पीने का ध्यान रखना है, बीच बीच में गैप लेना है, नींद पूरी करनी है, योग मेडिटेशन करना है अगर आप करते हैं तो, और अगर आपकी हॉबी में भी नहीं है तो भी थोड़ी देर के लिए आप आँख बंद करके ज़रूर बैठ जाएं। इससे क्या होगा कि जो एग्ज़ाम का तनाव है वो कम होगा। पेपर से पहले अब जितना भी समय बचा है रोज़ सुबह बैठें, टाइम लगाएं, मतलब टाइमर को एक तरह से सेट करें, पेपर सॉल्व करें और देखें कि आप पूरे टाइम, मतलब उस टाइम लिमिट में पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। प्रश्नों के जो आंसर हैं उनको निर्धारित शब्दों में लिखने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे बेटा। चौथी बात है, परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो MMG अस्पताल के मनोवैज्ञानिक हैं डॉक्टर अनिल विश्वकर्मा, उन्होंने बताया है कि नियमित अध्ययन करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है जिससे अंतिम दिनों में सारा सिलेबस बोझ नहीं बनेगा। हर बच्चे की अलग क्षमता होती है, अंतिम दिनों में ज़्यादा तनाव ना लेकर रिविज़न पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। पेपर के दिन सुबह उठकर खुद को शांत रखने की कोशिश करनी है, अपने दोस्तों से बातचीत करनी है, परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है, अंतिम घंटों पर कुछ शॉर्ट नोट्स का रिवीजन आपको तैयार करके रखना है, तनाव नहीं लेना है। अगर आपने तनाव लिया तो जो आपको याद है उसे भी आप भूल जाएंगे। अब एक चीज और, इसी सब के दौरान पूर्व टॉपर जो हैं उनसे बात की गई है। तो कक्षा 12 की जो पूर्व टॉपर हैं 19-20 की, जिनका नाम है रिद्धिमा शर्मा, उनका कहना है कि परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहना ज़रूरी है। इसके अलावा लिखने का अभ्यास और रिवीजन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जब मन ना करे तो उस समय किताब लेकर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपकी हॉबी है, जिसको करने में आपका मन लगता है, उसे भी ज़रूर करें। पढ़ाई के बीच बीच गैप लेते रहें, सैंपल पेपर सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, लिख करके देखते रहें, ये सारी चीज़ें बताई हैं रिद्धिमा ने, जो कि पूर्व टॉपर है क्लास 12th की। अब इसके साथ ही साथ कुछ बात जो है वो अभिभावकों के लिए भी है, यानी कि पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों पर दबाव ना बनाएं। सौरभ गर्ग ने कहा है कि देखने में आता है आजकल बच्चों पर टॉपर रहने का अंक रहने का जो तनाव है वो अच्छे अंक लाने से बहुत ज़्यादा होता है। मतलब उनको ये रहता है कि अच्छे अंक तो आए ही, इसके साथ ही साथ हमने टॉपर भी बनना है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों पर जो पेरेंट्स हैं वो किसी भी तरह का दबाव ना बनाएं, बच्चों को समझाएं, आराम से तैयारी करें, अच्छी मेहनत करें और अच्छी मेहनत के बाद जो परिणाम हो उसे सहज स्वीकार करें। अभिभावकों का काम है कि बच्चों को मोटिवेट करते रहें, किसी भी तरह का दबाव ना तो खुद बनाएं और ना बच्चा खुद खुद पर दबाव बनाने पाए। इसकी जो इसका ध्यान अभिभावक को ही रखना होगा। इसके अलावा बेटा मैं अब आपको कुछ पॉइंट्स में चीज़ें बताने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्टिव जैसे ऊपर वाली चीज़ हो गई, तो कुछ पॉइंट्स में मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले बोर्ड परीक्षा की तैयारी के दौरान उन सब्जेक्ट को पढ़ना है जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। सेकेंड, 40 मिनट का ब्रेक जरूर लेना है हर सेशन के बाद। आपने 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा, उसके बाद 40 मिनट का गैप आपको लेना है। इससे क्या होगा, आपका दिमाग और सेहत दोनों दुरुस्त रहेंगे। नींद की परेशानी से बचना है अगर आपको, तो चाय और कॉफ़ी लेते रहें जो आपको अच्छा लगता हो। चाय कॉफ़ी अगर आप नहीं पीते हैं तो दूध पी लें। पढ़ाई के दौरान रेस्ट लेते समय टीवी बिल्कुल भी नहीं देखना है। थोड़ा सा बाहर टहल लें, किसी दूसरी एक्टिविटी पर फोकस करें, लेकिन टीवी ना देखें। कुछ सालों के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको ज़रूर सॉल्व करें। इस बात का ध्यान रखें प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हुए कि इस बार आपका सिलेबस जो है वो आधा आधा हो गया है, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो अब आपके सिलेबस में है, सेकेंड टर्म में है। ठीक है बेटा, पूरे साल ज़्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन मीडियम में हुई है, इसलिए आपको अपनी हैंडराइटिंग पर ध्यान देना है। साफ़ होनी चाहिए, समझ में आने लायक तो होनी ही चाहिए कम से कम।
हेल्दी डाइट बेटा आपको लेनी है। सोशल मीडिया पार्टी से कुछ टाइम के लिए आप दूरी बना लें, जिससे कि जब आपके एग्ज़ाम हो जाएं तो उसके बाद आराम से जितनी मस्ती आपको करनी है उतनी मस्ती आप कर सकते हैं। तो बेटा ये थी कुछ ज़रूरी जानकारी, इन्फॉर्मेशन, एक तरीका जिसके माध्यम से आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आशा करती हूँ जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे, और जो रिलैक्स आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिलेगा, इसी रिलैक्स मन के साथ आप तैयारी करेंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम की। तो बेटा आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। मेरी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आप अपने मार्किंग स्कीम, आंसर कीज, सैम्पल पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर और अपने सिलेबस के बारे में जानकारी इस चैनल से लेते रहें।